जानिए इन नग्न मूर्तियों का सच मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित अपनी अद्भुत शिल्पकला और अकल्पनीय मूर्ति कला के लिए पूरी दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ भारत के बेहद प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों का समूह है। वहीं इन मंदिरों की दीवारों पर बनी कामोत्तेजक मूर्तियों यहाँ आने वाले सभी सैलानियों का अपनी ओर ध्यान आकर्षित करती है। खजुराहो में हिंदू और जैन धर्म के प्रमुख मंदिरों का समूह है, जो खजुराहो समूह के नाम से प्रसिद्ध है। चंदेला साम्राज्य में बनी इस अद्भुत मंदिर को इसकी भव्यता और आकर्षण की वजह से विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। तो आइए जानते हैं भारत के इस प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर के बारे में कुछ दिलचस्प तहत। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। खजुराहो मंदिर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के सिद्धांत का हिस्सा है। ये प्रतिमाएं भक्तों के संयम की परीक्षा लेने का माध्यम है, ऐसा कहा जाता है। जब व्यक्ति मंदिर में जाता है तो उसका मन दुनियादारी की तमाम चीज़ों में लगा रहता है। वह ना तो भगवान की प्रति समर्पित हो पाता है और ना ही अपने मन में उमड़ घुमड़ रहे उन विचारों पर एकाग्र हो पाता है। लेकिन जब वह खजुराहो मंदिर पहुंचता है और यहाँ शिल्पकला का नायाब नमूना देखता है तो उसे अनन्य शांति मिलती है। किताबों में मिलता है कि चंदेल काल में इस क्षेत्र में तांत्रिक समुदाय की वामार्गी शाखा थी। ये योग और भोग दोनों को मोक्ष का साधन मानते थे। ये मूर्तियाँ उन काम कीड़ाओं की देन है। शास्त्रों के अनुसार संभोग भी मोक्ष प्राप्त करने का एक साधन हो सकता है, लेकिन यह बात सिर्फ उन लोगों पर लागू होती है जो सच में ही मुमुक्षु हैं। वात्स्यायन के काम सूत्र का आधार भी काम शास्त्र और तंत्र सूत्र ही है। मंदिर निर्माण के कारणों में एक तर्क यह भी दिया जाता है कि तब बौद्ध धर्म के प्रभाव के चलते गृहस्थ धर्म से विमुख होकर अधिकतर युवा ब्रह्मचार्य और संन्यास की ओर अग्रसर हो रहे थे। उन्हें पुनः गृहस्थ धर्म में रुचि पैदा करने के लिए देश भर में इस तरह के मंदिरों का निर्माण किया गया था। उनके माध्यम से यह दर्शाया गया था गृहस्थ रहकर भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। इसका प्रमाण यह खजुराहो में ऐसी ढेरों प्रतिमाओं में है जो बौद्ध धर्म को दर्शाती हैं। ऐसी ही विभिन्न विभिन्न जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और साथ ही साथ चैनल को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।